को। छूटे ना कभी तेरा दामन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, है तुम पे पिता सब तन मन धन, है तुम पे पिता सब तन मन धन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। की पहली ट्रिप है आपकी हैदराबाद शहर में, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून मिला जब मैंने सब लोगों के जज्बात देखे, और स्पेशली जो हुजूर की मोहब्बत, सब हुजूर की मोहब्बत जो मैंने हैदराबाद में देखी है वो कहीं पे भी नहीं सो फार। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दुनिया में काफ़ी सफ़र किए हैं, पर जो मोहब्बत हैदराबाद के लोगों में, और ख़ास तौर पर मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम, मौला अली अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है, ये सबसे यूनिक चीज़ है यहाँ पे जो मैंने देखी। आपने टीवी मीडिया के जरिए, बस इतना कहूँगा कि आप 6 जनवरी को चार मीनार पे आएँ और इंशाल्लाह ये ऐ हसनैन के नाना लाइव सुनाएंगे आपको इंशाल्लाह। 24 ईयर्स
मैं उम्र में से मैंने नात खानी शुरू की थी, सुभान अल्लाह, उस वक्त मैंने एक नात पढ़ी थी एक महफिल में, और हुजूर शेख इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब मौजूदगी में मैंने वो नात पढ़ी, और उस वक्त हुजूर शेख इस्लाम ने मेरे लिए दुआ फरमाई, और ये उसी दुआ का नतीजा है। तकरीबन 30 के करीब। अभी मैं हैदराबाद पे कॉमेंट नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं हैदराबाद पे सुबह ही पहुंचा हूँ, पर सबसे ज्यादा मुझे जो मोहब्बत मिली मॉरिशस में, तो हैदराबाद अभी मैं एंटर हुआ हूँ, अभी कमेंट नहीं कर सकता, पर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हैदराबाद मॉरिशस को भी बीट कर जाए। सैयद औसाफ अली शाह साहब हैं जी जो पाकिस्तान से, उन्होंने लिखी है। आपकी रवानगी कब? तकरीबन 10 दिन के बाद। कितने इवेंट्स हैं आपके हैदराबाद? तकरीबन 3-4 इवेंट्स। डेट्स कंफर्म। फिर नाते फेम होने लगे हैं तो तब के सबके जहन में एक है, तो आप यूके बॉर्न हूँ, मैं यूके में भी पला बड़ा हूँ, मेरी तबीयत यूके में ही हुई जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ओरिजिन जो है कश्मीर से जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची से तो पता नहीं। तो आप जितनी ट्रेनिंग कभी नहीं ली, ये सिर्फ नात के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने नात पढ़ी हैं, मेरे वालिद साहब ने मुझे कुछ नातें पढ़ाई हैं उर्दू में, हमेशा जब भी कलाम पढ़ता हूँ मैं उर्दू में लिखा होता है उसको पढ़ता हूँ, उससे मेरा ये उर्दू का, और अगर मुझे कोई समझ ना आए मैं किसी आलिम से या कोई उर्दू स्पेशलिस्ट हो उससे पूछता हूँ और सीख लेता हूँ। एक आखिरी सवाल के लिए यही मैसेज है कि आप नात खानी को, नात खानी इबादत है, तो इसको हमेशा इसको एक ऐसे इसको एज अ मिशन लें, अब इसको आजकल नात खानी एक बिजनेस बन चुका है, उस से हट के आप नात खानी को एक मिशन लेके चलें और महफिलों में इस नीयत से जाएं कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर की आल हुजूर के असहाबा इकराम औलिया इकराम की मोहब्बत फैलाने जा रहे हैं, इस नीयत से आप नात खानी करें तो इंशाल्लाह उसमें बरकत ही बरकत होगी। स्कॉटलैंड एक अपना एक अलग मुल्क है यूके में, और उस सिटी में ग्लासगो में रहता हूँ। इंशाल्लाह 6 जनवरी 4 मीनार पे इंशाल्लाह मैं परफॉर्म करूँगा। मैं आपको सबको दावत देता हूँ कि आप इस महफिल में आएँ और सवाब दरंग हासिल करें। सुभान अल्लाह।